हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आप में से कई लोग हमारे चैनल के वीडियोस तो देखते हैं पर हमारे चैनल के वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, और इसलिए हम वीडियो कितना भी अच्छा बना ले वो वीडियो ज्यादा चल नहीं पाते। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक भी यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द रियल मैकॉय, और मूवी की शुरुआत में हमें एक चोर दिखाया जाता है जो कि अटलांटा यूनियन बैंक में चोरी कर रहा होता है। वो चोर धीरे धीरे सारे सेफ्टी अलार्म को बंद कर देता है, पर जैसे ही चोर को लगता है कि उसने सारे सेफ्टी अलार्म बंद कर दिए है, तभी मोशन डिटेक्टर की वजह से एक अलार्म अचानक से बजने लगता है और पुलिस के पास बैंक चोरी की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तब वो चोर बिल्डिंग से भागने की कोशिश करता है, तभी पुलिस हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंच जाती है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो चोर असल में एक लड़की है जिसका नाम कैरेन मैकॉय होता है। चोरी में पकड़े जाने के कारण कैरेन को जेल भेज दिया जाता है। फिल्म में आगे हमें 6 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जब कैरेन मैकॉय को पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैरेन एक ट्रेन में बैठी हुई है और वो एक फोटो देख रही होती है जिस फोटो में एक छोटा बच्चा होता है, और ये बच्चा कैरेन का ही बेटा पैट्रिक होता है। 6 साल जेल में रहने की वजह से पैट्रिक एक बार भी उसकी माँ से मिलने नहीं आया था। अटलांटा शहर पहुंचकर कैरेन अपने एक्स हस्बैंड रॉय को कॉल करती है और कैरेन रॉय को अपना सारा सामान वापस देने के लिए कहती है। तब रॉय कहता है, मैं तुम्हारे एक शॉप पर वेट कर रहा हूँ, तुम वही आकर मुझसे मिलो। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैरेन एक शॉपिंग मार्ट में होती है, तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और गाड़ी में से एक आदमी अपनी गन निकालकर शॉपिंग मार्ट के अंदर आ जाता है। वो आदमी स्टोर को लूटने आया होता है और वो कैशियर से कहता है, यहाँ पर मौजूद सारा कैश मुझे दे दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तब कैशियर कहता है, पर मेरे पास इसकी चाबी नहीं है। तब उस चोर के गन की मैगजीन नीचे गिर जाती है और वो नीचे बैठकर गन में मैगजीन लगाने लगता है। चोर की ये सारी बेवकूफी देखकर कैरेन हंसने लगती है। वो चोर वापस खड़ा होता है तो कैशियर अपने पास गन लेकर खड़ा हुआ था, और आनन फानन में उस चोर को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। कैशियर लगातार उस चोर पर गोलियां बरसा रहा था और किसी तरह से चोर अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाता है। अगली सुबह कैरेन अपने पेरोल ऑफिसर गैरी से मिलने जाती है। तब गैरी को पता चलता है कि कैरेन कल रात ही अटलांटा आ चुकी थी, और ये सुनकर गैरी कैरेन पर गुस्सा होता है और गैरी कहता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें वापस जेल में डाल सकता हूँ, अगली बार तुमने कोई भी छोटी सी गलती भी की तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से मुझे कोऑपरेट करो। तब कैरेन कहती है, मैं बस अपने लिए एक जॉब चाहती हूँ। तब गैरी कहता है, पर उसके लिए तुम्हें हाफवे हाउस में रुकना पड़ेगा, इस जगह पर अधिकतर कैदियों को रुकना पड़ता है। तब गैरी कैरेन से फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है। कैरेन कहती है, लेकिन मैं पहले ही 6 साल जेल में रह चुकी हूँ, अब मैं हाफवे हाउस में नहीं रुकना चाहती। तब गैरी कहता है, चलो मैं तुम्हें हाफवे हाउस में रुकने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, पर अब तुम बैंक रॉबरी से बिल्कुल दूर रहोगी। तब कैरेन कहती है, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। आगे जब कैरेन पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रही होती है, तभी वहां पर वो चोर भी होता है जो एक रात पहले स्टोर में चोरी करने गया था और पकड़ा गया। पुलिस वाले उसे रिश्वत देकर छोड़ देते हैं। तभी वो चोर जिसका नाम जेटी बार्कर था, वो कैरेन को देख लेता है और वो पुलिस ऑफिसर से कैरेन के बारे में पूछता है। तब पुलिस ऑफिसर कहता है, ये कैरेन मैकॉय है। कैरेन मैकॉय ये नाम सुनकर ही वो चोर कैरेन को पहचान जाता है। तब बार्कर कैरेन का पीछा करता है और वो कैरेन से बात करने की कोशिश करता है। बार्कर कैरेन से कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। यह सुनकर कैरेन बार्कर को इग्नोर करने की कोशिश करती है और वो बस की तरफ जाने लगती है। तब कैरेन की बस छूट जाती है। यह देखकर बार्कर कहता है, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ सकता हूँ। कैरेन बार्कर की गाड़ी में जाना तो नहीं चाहती थी, पर मजबूरी में वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। तब बार्कर गाड़ी में कैरेन से पूछता है, क्या ये बात सच है कि तुम बैंक रॉबरी के समय अपने साथ गन भी नहीं ले गई थी। कैरेन कहती है, जिस समय मैं बैंक लूटती थी उस समय बैंक में कोई नहीं होता था। तब बार्कर कहता है, मैं बहुत अच्छा कार ड्राइवर हूँ, अगर तुम वापस से कोई रॉबरी प्लान कर रही हो और तुम्हें किसी ड्राइवर की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। तब कैरेन कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, और ऐसा कहकर कैरेन गाड़ी से उतर जाती है। उसके बाद कैरेन अलग अलग जगहों पर जाकर जॉब के लिए अप्लाई करती है, पर जैसे ही सभी को पता चलता है कि कैरेन पहले अपराधी रह चुकी है और वो पेरोल पर बाहर है, तब सभी कैरेन को जॉब देने से मना कर देते हैं। फाइनली एक लड़की कैरेन की मदद करती है जो कैरेन के जॉब एप्लीकेशन में कन्विक्ट की जगह सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देती है, और वो कैरेन को उस जगह पर नौकरी दिलवा देती है। कैरेन को रुकने के लिए हाफवे हाउस जाना पड़ता है क्योंकि वो पेरोल पर थी।
हाफ वे हाउस काफी अजीब जगह होती है जहां पर पुराने कैदी पड़े होते हैं। तभी वहां कैरेन को बार्कर मिलता है और बार्कर कैरेन से कहता है, मैं किसी भी हाल में कैरेन मैकॉय को हाफ वे हाउस जैसी जगह में नहीं रहने दे सकता। तब वो कैरेन को अपने घर ले आता है और वो कैरेन से कहता है, तुम इस घर में जब तक चाहे रह सकती हो। उस घर को देखकर कैरेन मैकॉय काफी खुश होती है और वो बार्कर को थैंक्स कहती है। अगले दिन कैरेन अपने एक्स हस्बैंड रॉय से मिलने उसके ऑफिस में जाती है और रॉय कैरेन से कहता है, मैं कल किसी काम में फंस गया था इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तब कैरेन कहती है, तुम मेरा सामान मुझे वापस लौटा दो और मैं पैट्रिक मेरे बेटे से मिलना चाहती हूँ। तब रॉय कहता है, तुम्हारा पैट्रिक से मिलना शायद ठीक नहीं रहेगा क्योंकि मैंने पैट्रिक को बता दिया है कि उसकी मॉम मर चुकी है। तब कैरेन कहती है, रॉय आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हम दोनों के बीच तय हुआ था कि भले ही हम अलग हो गए हो पर पैट्रिक हम दोनों से मिलने का हक रखेगा। रॉय कहता है, आखिर मैं पैट्रिक को क्या बताता कि उसकी मॉम एक बैंक चोर है और वो इस वक्त एक जेल में है। तभी वहां पर पैट्रिक आ जाता है और वो रॉय से पूछता है, ये लेडी कौन है? कैरेन अपने बेटे को अपने सामने इतने साल बाद देखकर इमोशनल हो जाती है पर वो उससे बात नहीं कर पाती। तब रॉय पैट्रिक को गाड़ी में वापस जाने के लिए कहता है और कैरेन रॉय से पूछती है, तुमने उन लेटर्स का क्या किया जो मैंने पैट्रिक को लिखे थे? रॉय कहता है, मैंने उन्हें जला दिया क्योंकि उस वक्त मुझे यही सही लगा। यह सुनकर कैरेन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना पर्सनल सामान उठाती है जो रॉय के पास था और कैरेन वहां से जाने लगती है। तभी रॉय कैरेन से सॉरी बोलने उसके पीछे जाता है। तब कैरेन रॉय को एक जोरदार पंच मारकर उसे नीचे गिरा देती है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेटी बार्कर एक रेस्टोरेंट में किसी जैक नाम के आदमी से मिलने जाता है। बार्कर अपने लिए कुछ काम ढूंढ रहा होता है और जैक एक जाना माना गैंगस्टर होता है जो बड़ी बड़ी चोरियों की प्लानिंग करवाता है और चोरियां करता है। तभी बार्कर जैक के पास आकर बैठ जाता है और वो जैक से कहता है, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, कैरेन मैकॉय शहर में वापस आ चुकी है। कैरेन का नाम सुनकर ही जैक हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कैरेन अभी तक भी जेल में है। तब जैक बार्कर को कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए अभी कोई भी काम नहीं है। अगले दिन कैरेन अपने बेटे के स्कूल में पहुंचती है और वो वहां पर अपने बेटे को खेलता हुआ देख रही थी। तभी कैरेन के पास एक बेकर नाम का आदमी आता है जो कि जैक के लिए काम करता था और वो आदमी कैरेन से कहता है, जैक तुमसे मिलना चाहता है। जैक का नाम सुनते ही कैरेन का खून खोल जाता है और कैरेन बेकर को एक किक मारती है और वो उससे कहती है, मैं उस कमीने से बिल्कुल नहीं मिलना चाहती क्योंकि मैं अभी भी कुछ भूली नहीं हूँ। कैरेन वापस अपने घर पर आती है तब उसे बार्कर मिलता है और बार्कर कैरेन से डिनर पर चलने की रिक्वेस्ट करता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बार्कर और कैरेन दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तब बार्कर कैरेन से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें पैट्रिक मिल जाएगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि प्रोफेशनल है जिससे तुम्हें अच्छा काम और अच्छा पैसा मिल सकता है। मैं जैक शिमिट नाम के आदमी को जानता हूँ। जैक शिमिट का नाम सुनते ही कैरेन गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। तब बार्कर उसे रोकने की कोशिश करता है तो कैरेन उससे कहती है, जैक शिमिट की वजह से ही मेरे जिंदगी के 6 साल बर्बाद हो गए और मुझे जेल जाना पड़ा। बेहतर होगा तुम मुझसे दोबारा ना मिलो। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैरेन अपने काम करने वाली जगह पर होती है। तब कैरेन की कलीग उसे बताती है, तुम्हें मैनेजर ने बुलाया है। कैरेन मैनेजर के ऑफिस में जाती है तो वो देखती है वहां पर उसका पेरोल ऑफिसर गैरी खड़ा हुआ था और गैरी कैरेन को बताता है, मैनेजर ने जब सोशल सिक्योरिटी नंबर पर तुम्हारे बारे में सर्च किया तो उसे पता चला कि तुम एक अपराधी रह चुकी हो पर तुमने ये बात अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर मेंशन नहीं की थी। तब कैरेन कहती है, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। तब गैरी कहता है, सॉरी से कुछ नहीं होगा और गैरी कैरेन को अकेले अपने साथ बात करने के लिए ले जाता है और गैरी कैरेन से कहता है, तुम्हें मेरे साथ घूमने चलना पड़ेगा और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कैरेन मजबूरी में गैरी को हाँ कर देती है। उसी रात गैरी कैरेन को अपनी गाड़ी में कहीं ले जा रहा था। गैरी कैरेन को एक घर में ले जाता है और वो घर काफी बड़ा और आलिशान होता है। उस घर में खूब सारे जंगली जानवर भी होते हैं और वहां पर शेर पिंजरे में बंद थे। कैरेन को गैरी अपने साथ उस घर में ले जाता है। तब कैरेन घर के अंदर पहुंचकर जैक को देखती है। तब जैक कहता है, मुझे तुम्हें यहाँ पर देखकर काफी खुशी हुई। कैरेन पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जैक कहता है, वही जो हर कोई कैरेन मैकॉय से चाहता है। मैं चाहता हूँ तुम बैंक लूटो और पैसे जमा कर दो। अगर तुम ये 6 साल पहले कर देती तो तुम्हें जेल में नहीं रहना पड़ता। तब कैरेन वहां से जाने लगती है। तब गैरी कैरेन को जोर से पकड़ लेता है। कैरेन कहती है, मैं जैक जैसे घटिया आदमी का कोई भी काम नहीं करना चाहती, और ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। कैरेन के जाने के बाद जैक गैरी से कहता है,
कुछ लोगों पर जब तक प्रेशर ना बनाया जाए वो लोग झुकते नहीं है। हमें कैरेन के साथ भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉय की वाइफ बच्चों को लेने स्कूल में जाती है। तब उसे पता चलता है कि पैट्रिक स्कूल में नहीं है। रात को कैरेन अपने घर पर होती है, तभी रॉय कैरेन के घर पर आता है और रॉय कैरेन से कहता है पैट्रिक कहां पर है, क्योंकि सुबह से उसे किसी ने नहीं देखा। रॉय की बातों को सुनकर कैरेन समझ जाती है कि पैट्रिक को जरूर जैक ने पकड़ा होगा। तब कैरेन रॉय से कहती है तुम पुलिस को मत बुलाना, मैं पैट्रिक को ढूंढने जा रही हूँ। ऐसा कहकर कैरेन रॉय से उसकी गाड़ी की चाबी ले लेती है। उसके बाद कैरेन नशे की दवा लेती है और उसे खाने में मिलाकर तैयार करती है। कैरेन जैक के घर पर जाती है और नशीला खाना उसकी बाउंड्री के अंदर फेंक देती है, जिसे जैक के कुत्ते खाकर वहीं बेहोश हो जाते हैं। तब कैरेन चुपके से बाउंड्री वॉल कूदकर जैक के घर में जाती है। तब वो देखती है कि जैक एक रूम में टीवी देख रहा था और वहां पर उसे कहीं भी उसका बेटा पैट्रिक दिखाई नहीं देता। तब कैरेन घर की फोन डायरेक्टरी से पुलिस वाले गैरी का नंबर और उसका घर का पता ढूंढती है और कैरेन गैरी के घर पर पहुंचती है। तब उसे पता चलता है कि गैरी घर पर नहीं है और वो कहीं फिशिंग करने गया है। तब कैरेन पीछे के दरवाजे से गैरी के घर के अंदर भी जाती है और वो गैरी के घर के सामान की तलाशी लेने लगती है। तब उसे गैरी के घर में फिशिंग की कुछ फोटोग्राफ्स मिलती है। वहां पर कैरेन को पता चलता है कि गैरी किसी लेक ल्यूसिली नाम की जगह पर फिशिंग करने जाता है। कैरेन भी अपनी गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंचती है और वो वहां पर एक बूढ़े आदमी को गैरी का फोटो दिखाती है और उससे गैरी के घर का पता पूछती है। वह आदमी गैरी को जानता था तो वो उसे गैरी के घर का पता बता देता है। काफी रात हो चुकी थी तो कैरेन अपनी गाड़ी जंगल में ही पार्क कर देती है। अगले सुबह कैरेन गैरी के घर के पास पहुंचती है और कैरेन देखती है कि गैरी अपने घर के पास खड़ा है। थोड़ी देर बाद गैरी अपनी गाड़ी लेकर वहां से कहीं चला जाता है। तब कैरेन मौका पाकर गैरी के घर के अंदर घुसती है। तब कैरेन को एक कमरे में पैट्रिक मिल जाता है। तब पैट्रिक कैरेन को देखकर हैरान था और वो कहता है तुम तो मेरी मॉम की फ्रेंड हो ना। कैरेन कहती है हाँ मैं तुम्हारी मॉम की फ्रेंड हूँ। गैरी भी लेक के पास गाड़ी घुमा रहा होता है तभी उसे वहां पर वो बूढ़ा आदमी मिल जाता है जिसने कैरेन को गैरी के घर का पता बताया था। और वो बूढ़ा आदमी गैरी को बताता है कोई लेडी तुम्हारे घर के बारे में पूछ रही थी। यह सुनते ही गैरी को शक होता है और वो अपनी गाड़ी घुमाकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ कैरेन पैट्रिक को लेकर अपनी गाड़ी से वहां से निकल रही होती है, तभी रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। कैरेन गाड़ी को सही करने की कोशिश कर ही रही थी तभी वहां पर गैरी आ जाता है। गैरी के हाथ में गन थी तो वो कैरेन को बुरी तरह से मारता है और उसे बेहोश कर देता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैरेन और पैट्रिक जैक के घर में थे और जैक कैरेन के पास आकर कैरेन से कहता है पैट्रिक बिल्कुल ठीक है, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैं चाहता हूं कि बस तुम बैंक रॉबरी में हमारा साथ दो और फिर तुम अपने बेटे को अपने साथ ले जा सकती हो। आगे कैरेन पैट्रिक से मिलने उसके कमरे में जाती है। तब पैट्रिक पूछता है क्या वो लोग आपको मारना चाहते हैं। तब कैरेन कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा और वो पैट्रिक को गले लगा लेती है। आगे कैरेन रॉय को फोन करके बताती है पैट्रिक मेरे साथ है और वो ठीक है, मैं पैट्रिक को तुम्हारे पास ले आऊंगी पर अभी ये पॉसिबल नहीं है। आगे कैरेन टैक्सी करके बार्कर के घर पर पहुंचती है और बार्कर कैरेन को देखकर हैरान था। तब कैरेन बार्कर को बताती है मेरे बेटे को जैक ने किडनैप कर लिया है। यह सुनकर बार्कर कैरेन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे कैरेन बार्कर को लेकर जैक के घर पर जाती है और कैरेन बार्कर को कहती है अगर तुम्हें तुम्हारा काम करवाना है तो राइडर मेरी पसंद का होगा। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैरेन अपना हुलिया बदलकर अटलांटा यूनियन बैंक में जाती है। तब वहां पर काम करने वाला एम्प्लॉय मिस्टर क्रोल उसके पास आता है और वहां पर वो अपना नाम बेथ बैक्स्टर बताती है। वो कहती है कि उसे एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स खुलवाना है और मिस्टर क्रोल कैरेन का अकाउंट खोलता है और उसके बाद वो कैरेन को फोर्थ फ्लोर नीचे वॉल्ट में ले जाता है और मिस्टर क्रोल कैरेन को बैंक के हाईली सिक्योर सिस्टम के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि इस सिक्योरिटी सिस्टम को ट्रिपल ए रेटिंग मिली है। तब कैरेन बैंक में लगे सारे कैमरे और सिक्योरिटी डिवाइस को ऑब्जर्व कर रही थी। आगे कैरेन अपने डिपॉजिट बॉक्स में एक किताब रख देती है और वो बॉक्स वो मिस्टर क्रोल को पकड़ा देती है। मिस्टर क्रोल इतने भारी बॉक्स को देखकर सोचता है कि इसमें कई सारे हीरे जवाहरात होंगे। तब कैरेन लॉकर रूम में लगे सिक्योरिटी सिस्टम को देख रही थी। बैंक से बाहर आने के बाद कैरेन जैक को बताती है ये बैंक 2 साल में काफी सिक्योर हो चुका है, यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को ट्रिपल ए रेटिंग मिली है, इस बैंक को नहीं लूटा जा सकता। इस बैंक में वॉल्यूम सिग्नेचर यूनिट नाम का एक सिक्योरिटी डिवाइस लगा है। तब जैक कहता है जब हम कैमरों की केबल को काटेंगे तब हम उसकी केबल को भी काट देंगे।
तब कैरेन कहती है हम उसकी केबल को नहीं काट सकते क्योंकि वो स्क्रीन है। जेक कहता है फिर तो हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। कैरेन कहती है तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ चोरी नामुमकिन है। तब जैक कैरेन को धमकी देते हुए कहता है तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो, अगर तुमने ये नहीं किया तो पैट्रिक वापस कभी अपने घर नहीं जा पाएगा। मोई के अगले सीन में जैक और कैरेन एक बिल्डिंग की छत पर खड़े हुए थे। तब कैरेन जैक को दूरबीन से दिखाते हुए कहती है यह अटलांटा बैंक की बिल्डिंग है और इसके पास वो दूसरी बिल्डिंग साउथ टेक सिक्योरिटी की बिल्डिंग है जो अटलांटा बैंक की सिक्योरिटी देखने का काम करती है। जैसे ही अलार्म बजता है साउथ टेक बिल्डिंग से चार गाड़ियां निकलती है बैंक पर जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए, और हमें वही टाइम निकालना है कि वो गाड़ियां साउथ टेक बिल्डिंग से अटलांटा बैंक तक कितनी देरी में पहुंचती है। और उसके लिए कैरेन और बार्कर रात में एक गाड़ी में बैठकर साउथ टेक बिल्डिंग से फुल स्पीड में गाड़ी भगाते हैं और वो टाइम नोट करते हैं कि बैंक तक पहुंचने में उन्हें कितना समय लगेगा। तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें बैंक तक पहुंचने में 6 मिनट का समय लग रहा है। अगले दिन कैरेन बेथ बैक्स्टर बनकर फिर से बैंक में जाती है और वो वहां पर मिस्टर क्रोल से मिलती है और कैरेन मिस्टर क्रोल से कहती है मैं यहां पर एक सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहती हूं। मिस्टर क्रोल से बातें करने के दौरान कैरेन पास ही में रखे डस्टबिन की फोटो खींचने लगती है। मूवी के अगले सीन में कैरेन को दिखाया जाता है और कैरेन ने बार्कर को कुछ काम दिया होता है। तब बार्कर गाड़ी में आकर बैठता है और वो अपने साथ एक पैकेट भी लाया था। बार्कर अपने साथ कुछ पासपोर्ट बनवा कर लेकर आया था कैरेन के कहने पर। आगे कैरेन बार्कर को अपने आगे का प्लान बताती है और अगले दिन बार्कर अटलांटा बैंक में जाता है एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स खुलवाने, और उस डिपॉजिट बॉक्स में बार्कर अपने साथ लाया पार्सल रख देता है। दूसरी तरफ कैरेन बैंक रॉबरी की सारी प्लानिंग बड़ी जोर शोर से कर रही होती है। एक दिन कैरेन मीटिंग अरेंज करती है जिसमें सारे लोग जो बैंक को लूटने जाने वाले थे वो सभी आए थे। कैरेन उन सभी को चोरी का प्लान समझाती है। तब कैरेन बताती है बैंक के सीसीटीवी कैमरा की केबल एक अंडरग्राउंड बेसमेंट से होते हुए एक आर्किटेक्ट ऑफिस के पास जाती है। उस आर्किटेक्ट ऑफिस में बस एक ही गार्ड होता है, तो हम किसी भी तरह उस गार्ड को हटाकर पूरे बेसमेंट को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और हम बेसमेंट में सीसीटीवी कैमरा की केबल को ढूंढ लेंगे। उसके बाद हम एक्चुअल सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग की जगह अपने वीडियो क्लिप्स ऐड कर देंगे जिससे बैंक वालों को पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या मूवमेंट हो रही है। पर हमारी असली समस्या वॉल्यूम सिग्नेचर यूनिट है। जैसे ही बैंक में जरा सी आवाज होती है तो ये अलार्म बज उठता है और हम इसकी केबल को काट भी नहीं सकते है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमारा प्लान ये होगा कि हम खुद इस अलार्म को ट्रिगर करेंगे। ये सुनकर किसी को समझ नहीं आता कि कैरेन आखिर कहना क्या चाहती है। तब कैरेन समझाती है पुलिस को सिक्योरिटी बिल्डिंग से बैंक तक आने में 6 मिनट लगते हैं और हमें लॉकर रूम तक पहुंचने में 15 मिनट का समय लगेगा, तो हम अपने इस काम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही पहली बार अलार्म ट्रिगर होगा तो हम अपनी 5 मिनट की स्टेज को पूरी कर लेंगे, दूसरी बार अलार्म ट्रिगर होगा तो हम अपने अगले स्टेज तक पहुंच जाएंगे, और यह हम सब करने के लिए गार्ड को विश्वास दिलाएंगे कि सचमुच अलार्म सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई है क्योंकि बार बार अलार्म ट्रिगर करेगा। और एक बार हम लॉकर रूम तक पहुंच गए तो स्टील की दीवारों के पीछे किसी को पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले स्टेज में हम बैक डोर का लॉक तोड़ देंगे, उसके बाद हम एलिवेटर का भी लॉक तोड़ देंगे और थर्ड स्टेज में वॉल्ट कॉरिडोर का रास्ता साफ कर देंगे। तब वही बेटा एक आदमी पूछता है पर हम अलार्म को ट्रिगर कैसे करवाएंगे। कैरेन कहती है इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल सोचा है। तब वही बेटा दूसरा आदमी कहता है क्या ये खतरनाक प्लान वर्क कर सकता है। तब जेक कहता है अगर बात $18 मिलियन की हो तो हम इस प्लान को जरूर ट्राई करेंगे। लूट की इतनी बड़ी रकम के बारे में सुनकर सभी लोग कैरेन के प्लान पर काम करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अगले दिन कैरेन फिर से मिस बेथ बैक्स्टर बनकर उसी बैंक में जाती है और वहां पर जाकर कैरेन बैंक असिस्टेंट से मिलती है। असिस्टेंट को अपनी बातों में उलझाकर कैरेन चोरी में काम आने वाली एक मोटर को डेस्क के ही पास रखे एक डस्टबिन में छिपा देती है। आगे बैंक वाले भी बैंक बंद कर देते हैं और वो लॉकर रूम को भी बंद कर वहां से चले जाते हैं। उसी रात को कैरेन बार्कर जैक और बाकी की चोरी करने वाली गैंग तैयार होकर घर से निकलती है। घर से निकलने के पहले जैक कैरेन और बार्कर की तलाशी लेता है और निकलते समय कैरेन की नजर पैट्रिक पर पड़ती है जो कि गैरी के पास था। आगे वो सभी लोग इकट्ठा होकर एक ट्रक में जाते हैं और उस ट्रक को आर्किटेक्ट ऑफिस के सामने पार्क कर देते हैं जैसे कि उनका ट्रक खराब हो गया हो। उसके बाद जेक उस आर्किटेक्ट ऑफिस में जाता है और वो गार्ड से मदद मांगता है कि उसे एक फोन कॉल करना है। जैसे ही गार्ड वो दरवाजा खोलता है जेक उस पर गन अड़ा देता है और उसे बंदी बना लेता है
और आगे जैक बाकी के गैंग मेंबर्स को भी अंदर बुला लेता है। अंदर जाने के बाद कैरेन उस बैंक में जाने वाली सीसीटीवी केबल को काट कर अपने वीडियो क्लिप वाले इंस्ट्रूमेंट से वो केबल कनेक्ट कर देती है, ताकि उस इंस्ट्रूमेंट पर चलाए जाने वाली वीडियो क्लिप्स बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को लगातार दिखाई दे। आगे कैरेन सीसीटीवी फुटेज की वो वीडियो लूप में चला देती है और सीसीटीवी स्क्रीन को देख रहे गार्ड को वीडियो फुटेज में कोई भी गड़बड़ दिखाई नहीं देती। उसके बाद कैरेन एक रिमोट कंट्रोल से बैंक के डस्टबिन के नीचे छुपाई गई गाड़ी को चलाने लगती है, जिससे बैंक का डस्टबिन भी मूव होने लगता है, जिससे बैंक में लगा वॉल्यूम सिक्योरिटी अलार्म डस्टबिन की आवाज को डिटेक्ट कर लेता है और सायरन बजने लगता है। सायरन के बजते ही चार पुलिस की गाड़ियां सिक्योरिटी बिल्डिंग से निकल जाती है बैंक तक पहुंचने के लिए। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी टीम की गाड़ी बैंक तक पहुंच जाती है और पुलिस वाले बैंक के अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं बैंक में सब कुछ ठीक था। उन्हें लगता है कि ये सायरन गलती के कारण बज रहा है। कैरेन और बाकी के चोर भी कैमरे में ये सब देख रहे होते हैं और पुलिस वालों के वापस जाने के बाद वो अपने अगले प्लान की तरफ बढ़ जाते हैं। तब कैरेन, जैक और उनके साथ एक और चोर बैक डोर तक पहुंचते हैं और फिर से वो डस्टबिन में मूवमेंट करते हैं और वो लोग पुलिस के पहुंचने से पहले बैक डोर का लॉक ओपन करते हैं और उसकी जगह अपने साथ लाया लॉक लगा देते हैं और वापस दरवाजे को पहले की तरह कर देते हैं, ताकि पुलिस को शक ना हो। पुलिस के आने से पहले वो तीनों बिल्डिंग के दूसरी तरफ जाकर छिप जाते हैं। तब तक वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और वो फिर से बैंक के चारों ओर देखती है, पर इस बार भी पुलिस को कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आती। एक पुलिस वाला बैक डोर की तरफ जाकर देखता है, वहां भी उसे कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आती और पुलिस वाले वापस सिक्योरिटी बिल्डिंग के लिए निकल जाते हैं। तब कैरेन और बाकी चोर आकर बैक डोर से बैंक के अंदर एंटर हो जाते हैं। आगे कैरेन, जैक और बार्कर एलिवेटर दरवाजे का लॉक ओपन करने की कोशिश करते हैं। वो अपने साथ चाबियों के कई सारे कॉम्बिनेशन लाए थे। वो उन सभी चाबियों को एक एक करके उस लॉक में ट्राई करते हैं उसे खोलने के लिए और फाइनली एक चाबी से वो लॉक ओपन हो जाता है और लिफ्ट का दरवाजा खोलकर वो उसे फिर से बंद कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उन्होंने वापस अलार्म को ट्रिगर कर दिया था तो वहां पर पुलिस वापस पहुंच चुकी थी और पुलिस को इस बार भी बैंक के आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता और पुलिस वापस चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद कैरेन, जैक और बार्कर और बाकी गैंग के लोग लिफ्ट में घुसते हैं। बैंक की बिल्डिंग में इतनी बार फॉल्स अलार्म बजने की वजह से तीन पुलिस वाले बैंक में ही नीचे आकर रुक जाते हैं। दूसरी तरफ चोरों की पूरी गैंग लॉकर रूम के दरवाजे तक पहुंच जाती है और उनमें से एक चोर अपने बैग से बड़ी सी ड्रिल मशीन निकालता है और वो लॉकर रूम के दरवाजे पर होल करने लगता है। काफी देर तक ड्रिल करने के बाद लॉकर रूम के दरवाजे पर एक होल होता है। तब कैरेन एक गैजेट से लॉकर रूम के सिक्योरिटी की को क्रैक कर देती है और लॉकर रूम का दरवाजा खुल जाता है। लॉकर रूम का दरवाजा खुलते ही उन्हें लॉकर रूम में ढेर सारा कैश दिखाई देता है और सभी चोरी करने आए लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं और वो सभी लोग साथ में लाए बैग में पैसा भरना शुरू कर देते हैं। तब कैरेन बार्कर से कहती है, तुमने किस लॉकर में सामान रखा हुआ था? तब बार्कर कैरेन को वो लॉकर नंबर बताता है और कैरेन उस लॉकर को ओपन करती है तो हम देखते हैं उस लॉकर के अंदर एक गन छुपाकर रखी गई थी, जिस गन को कैरेन अपने पास रख लेती है। तभी कैरेन अपने पास से एक रिमोट निकालती है और वो रिमोट का बटन दबाती है और बटन दबाते ही कैश रूम का लोहे का दरवाजा बंद हो जाता है और जैक और उसके साथी गैंग वाले अंदर ही लॉक हो जाते हैं और बार्कर और कैरेन दोनों बाहर रह जाते हैं। जैक ये देखकर आग बबूला हो जाता है और वो कैरेन को वहां से बाहर निकालने के लिए कहता है। तब कैरेन कहती है, तुम्हारे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने पहले ही तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि ये बैंक ट्रिपल ए रेटिंग का है, हमें इसे लूटना नहीं चाहिए, पर तुमने मुझे मना कर दिया। तब जैक अपनी गन निकालकर कैरेन और बार्कर पर फायर करने लगता है पर वो दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं और कैरेन और बार्कर लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंचते हैं, जहां पर पुलिस ऑफिसर सोए हुए थे। तब कैरेन अपने पास से गैस बॉम्ब निकालकर वहां पर थ्रो करती है, जिससे वो पुलिस वाले बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद कैरेन और बार्कर वहां से निकल जाते हैं बिना वहां से कैश लिए। दूसरी तरफ टीवी पर रॉय न्यूज देखता है कि एक बैंक रॉबरी हुई है और इस बैंक रॉबरी में किसी लेडी का भी हाथ था। यह देखकर रॉय समझ जाता है कि जरूर ये लेडी कैरेन ही होगी। कैरेन और बार्कर ट्रक लेकर वापस जैक के घर पर पहुंचते हैं और वो ट्रक से मेन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। तभी वो देखते हैं कि गैरी कहीं पर गाड़ी लेकर भाग रहा था। तब कैरेन गैरी की गाड़ी को एक जोरदार टक्कर मारती है और गैरी की गाड़ी शेर के पिंजरे में जा गिरती है। गैरी गाड़ी से बाहर निकलता है तो वो शेर के पिंजरे में था। तभी उस पर एक शेर हमला कर देता है।
दूसरी तरफ कैरेन और बार्कर पैट्रिक को पूरे घर में ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें वहाँ एक दरवाजा दिखता है जिस दरवाजे के अंदर खून के निशान जा रहे थे। कैरेन और बार्कर दोनों उस दरवाजे के सामने खड़े थे। तभी बाहर की ओर एक गोली चलती है और उस दरवाजे से गैरी बाहर निकलता है जिसके हाथ में पैट्रिक था। गैरी को देखकर कैरेन वहीं छिप जाती है। तभी पैट्रिक गैरी के हाथ में काटकर बार्कर के पास में चला जाता है। तब गैरी बार्कर पर गोलियां चलाने लगा था। कैरेन वहीं छुपी थी तो वो गैरी की गन पर लात मारकर उससे वो गन छुड़वा देती है। तब गैरी गुस्से में कैरेन को मारने लगता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और कैरेन के हाथ में शॉटगन लग जाती है जिससे वो गैरी पर बार बार हमला करके उसे बेहोश कर देती है। बार्कर पैट्रिक को लेकर गाड़ी तक पहुंच चुका था जब तक कैरेन जैक के घर के लॉकर तक पहुंच जाती है। और उस लॉकर पर वो विस्फोटक लगा देती है। थोड़ी देर बाद विस्फोट होता है जिससे घर के शीशे टूट जाते हैं। तभी कैरेन एक बैग के साथ घर के बाहर निकलती है। कैरेन उस बैग में कैश लेकर आई थी जो कि उसने जैक के लॉकर से चुराया था और वो तीनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। कैरेन ने अपने एक्स हस्बैंड रॉय को पहले से ही फोन करके एयरपोर्ट पर बुलाया था ताकि वो पैट्रिक को वहां से ले जा सके। बार्कर कैरेन की बातें सुन रहा था और बार्कर कैरेन से कहता है, तुम्हें पैट्रिक को अपने साथ ले जाना चाहिए, वो तुम्हारा बेटा है। तब कैरेन कहती है, मैं खुद ही एक चोर हूँ तो मैं पैट्रिक को अपने साथ ले जाकर उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूँ। कैरेन पैट्रिक और बार्कर के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचती है। तब वहां पर रॉय भी उनका इंतजार कर रहा था। कैरेन रॉय के पास जाती है। तब रॉय उससे कहता है, मेरे पॉकेट में एक गन है, मुझे पता है तुम बैंक से लूटकर पैसा लाई हो। और ऐसा कहकर रॉय कैरेन पर गन अड़ाकर उसे वॉशरूम एरिया की तरफ ले जाता है। रॉय कैरेन के बैग को देखता है तो उसमें बहुत सारा कैश होता है। तभी वहां बार्कर आ जाता है और वो रॉय पर हमला करता है जिससे रॉय बेहोश हो जाता है। रॉय की हरकतों को समझकर कैरेन समझ जाती है पैट्रिक उसके साथ ही ठीक रहेगा। आगे कैरेन पैट्रिक को बता भी देती है कि वही उसकी माँ है। यह सुनकर पैट्रिक बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता था उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। आगे कैरेन पैट्रिक और बार्कर रियो की फ्लाइट पर चढ़ जाते हैं। तभी कैरेन देखती है कि प्लेन की तरफ पुलिस की गाड़ियां बढ़ रही है। कैरेन समझ जाती है कि पुलिस को पता चल चुका है कि वो लोग इसी प्लेन से भाग रहे और पुलिस वाले उन्हें ही पकड़ने आ रहे। आगे पुलिस वाले प्लेन में चढ़ते है तो उसे पता चलता है कि पुलिस वाले किसी को पकड़ने नहीं बल्कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए ऑर्गन प्लेन में डिलीवर करने आए थे। यह सुनकर कैरेन खुश हो जाती है कि फाइनली वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।